प्रधानमंत्री मोदी दो देशों की यात्रा में आज सुबह नई दिल्ली से रवाना हुए। पीएम 7 दिन के विदेश दौरे पर आयरलैंड और अमेरिका की यात्रा पर हैं। दौरे के पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री आयरलैंड जाएंगे। इसके बाद 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की मेजबानी वाले सम्मेलन को संबोधित करने अमेरिका जाएंगे। पिछले साल न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी के ऐतिहासिक दौरे के ठीक एक साल बाद प्रधानमंत्री फिर से अमेरिका की यात्रा पर हैं। 23 सितंबर यानी आज से 29 सितंबर तक प्रधानमंत्री देश से बाहर रहेंगे। अमेरिका से पहले प्रधानमंत्री आयरलैंड जाएंगे। ये किसी भारतीय पीएम का 60 साल में पहला आयरलैंड दौरा है। मोदी आज सुबह डबलिन के लिए रवाना हुए। जाने से पहले पीएम ने ट्वीट किया, हम आने वाले सालों में आयरलैंड के साथ मजबूत आपसी संबंध और आर्थिक संबंध विकसित करने की आशा करते हैं। आयरलैंड में मैं भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करूंगा। आयरलैंड में एक दिन रुकने के बाद पीएम अमेरिका के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी की दूसरी अमेरिकी यात्रा का सेंट्रल पॉइंट है बिजनेस। भारत में विदेशी निवेश बढ़ाने और मेक इन इंडिया कैंपेन को सफल बनाने के लिए मोदी की होड़ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से है। जिनपिंग सिएटल में फॉर्च्यून 500 कंपनियों के टॉप 30 सीईओ से मिलेंगे, तो मोदी न्यूयॉर्क में अमेरिका की 50 सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। न्यूयॉर्क में मोदी से मिलने वालों में माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, पेप्सी की इंदिरा नुई और एप्पल के टिम कुक भी शामिल होंगे। Indian investors have also been coming to the US, investing in a big deal and in a very big way, creating jobs in the United States. So this relationship is to give strength and also to draw strength from each other's investments and also commitments to contributing towards one another's economy. 26 और 27 सितंबर को भारतीय प्रधानमंत्री कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में होंगे, जहां वो फेसबुक के मुख्यालय जाएंगे और कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से मिलेंगे। सिलिकॉन वैली में मोदी गूगल के मुख्यालय भी जाएंगे और सुंदर पिचाई से भी मुलाकात करेंगे। 25 सितंबर को वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को संबोधित करेंगे। 28 तारीख को यूएन पीस कीपिंग समिट में हिस्सा लेंगे। 28 तारीख को ही बराक ओबामा से उनकी मुलाकात होगी। दिल्ली में हुई आखिरी मुलाकात में इन दोनों नेताओं ने एक केमिस्ट्री डेवलप की थी। वो केमिस्ट्री आगे भी बढ़ेगी तो दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे। भारत और अमेरिका की नजदीकियों का भारत को सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने में होगा। इसकी वानगी पीएम के विदेश दौरे के एक दिन पहले ही मिल गई, जब वॉशिंगटन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अमेरिका से दो टूक शब्दों में पाकिस्तान से 26/11 हमलों के गुनहगारों पर कार्रवाई का दबाव बढ़ाने को कहा। One, we have said, we reiterate the threat posed by Al-Qaeda, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, D Company, and the Haqqani Network, and other regional groups that seek to undermine stability in South Asia. Then, we call for Pakistan to bring to justice the perpetrators of the 2008 Mumbai attack. न्यूयॉर्क में मोदी और शरीफ एक ही होटल में रुकेंगे, लेकिन अभी तक दोनों प्रधानमंत्रियों का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसमें उन्हें हाथ भी मिलाना पड़े। पीस कीपिंग समिट में अगर मोदी और शरीफ आमने सामने हुए तो हाथ मिलाना लाजमी होगा। मोदी इस बार अमेरिकी मेहमान नवाजी का पूरा लुत्फ ले सकेंगे, क्योंकि पिछली बार नवरात्र की वजह से वो व्रत पर थे, इस बार ऐसा नहीं है। स्मिता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूयॉर्क आज तक। चलिए यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक।